तो हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं आलापूजा हाउस बोट टूर में। आई विल शो यू। अरे रुक जा मेरे बाप। तो हम लोग को वेलकम ड्रिंक्स मिला है रसना। दीज आर द अदर बोट्स। अपना 3 BHK वाला है एंड अभी हम लोग निकलेंगे। इनका कैसा है लंच के टाइम पे दे टेक अ स्टॉप लंच डिनर इवनिंग स्नैक्स के टाइम पे। सुबह हम लोग जल्दी निकल जाएंगे 5 बजे चेकआउट अपना यहाँ से। एंड रहा बात अभी देखता हूँ वंस वी आर इन द वाटर्स ओपन वाटर्स मैं ड्रोन छोड़ूंगा बैल्कनी से। आई होप अच्छा शॉट्स आए। सो वी हैव जस्ट लेफ्ट। क्या व्यू आ रहा है। बहुत अच्छा घर है ये। अभी मेरे साथ क्या हुआ बोट के बालकनी से मैं ड्रोन उड़ाने का कोशिश किया तो द बालकनी वाज वेरी उसका हाइट कम था बालकनी का तो आई गेस टर्बुलेंट एयर के वजह से मेरा ड्रोन टेक ऑफ नहीं लिया। जिस एंगल में भी मैं टेक ऑफ करता हूँ पीछे ही धकेल रहा था ड्रोन को सो इट क्रैश थ्राइस। तो मैंने प्रोपेलर्स चेक किया प्रोपेलर सब टाइट है कैलिब्रेशन का भी इशू नहीं था। सो इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द विंड क्योंकि बालकनी के पास वॉल है एंड दैट्स द रेलिंग तो उस बीच में से हवा के टर्बुलेंट एयर के चलते ड्रोन को पीछे पुश कर रहा था सो ड्रोन को उड़ा नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। तो व्यू बहुत अच्छा था देखते हैं मौका मिला तो बट अभी थोड़ा मूड ऑफ हो गया था तो इसलिए मैंने ड्रोन वापस रख दिया। एंड अभी हम लोग यहाँ पर आए थे एक स्टॉप लिया था लंच का एंड वी केम हियर टू बाय सम प्रॉन्स टाइगर प्रॉन्स। हम लोग ने टाइगर प्रॉन खरीदा है। रेट इनका थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर इन कंपैरिजन मतलब अपने उड़ीसा में थोड़ा चीप मिलता है बट अगेन इतने दूर से आके लेते हो इट्स ओके अंडरस्टैंडेबल। तो फिशेस बहुत सारे थे फिश का तो मुझे कुछ आइडिया होता नहीं सो वी जस्ट बॉट 1 kilo ऑफ टाइगर प्रॉन। शॉप में भीड़ काफ़ी ज़्यादा है दिखाता हूँ वेट So these are live crabs and we bought these tiger prawns. हम लोगों ने बड़े बड़े साइज के हैं एंड वी बॉट अराउंड अ किलो ऑफ इट। तो रात को डिनर में आज होगा टाइगर प्रॉन। दिखा देता हूँ दीज आर द बोट्स। So, अभी यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेंगे 1 घंटे का देन वील अगेन गो इन द ओपन वाटर्स। थोड़ा मूड ऑफ हो गया ड्रोन को लेके बट अगेन इट्स ओके इट हैपेंस ट्रैवलिंग में ऐसा होता रहता है। हेलो गाइस मैं हूँ वीर और आप देख रहे हैं वीर व्लॉग्स और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अभी हाउस बोट में हूँ और अभी मैं यहाँ पे बैठा हूँ। यहाँ पे मेरे पापा है यहाँ पे मस्त व्यू आ रहा है गाइस आगे आप एक तो बोट दी गई है वहाँ पे और एक तो बोट है हाउस बोट। तो फिलहाल तो अभी आप लोग यहाँ पे है आप देख सकते हैं यहाँ पे चाचा है दो फोटो शूट कर रहे हैं यहाँ पे पापा यहाँ पे बैठे हैं मैं यहाँ पे हूँ बस। ओ भाई बहुत एकदम ड्रिफ्टिंग हो रही है एकदम अगर आप देख सकते हैं तो आपने देखा भाई मस्त ड्रिफ्टिंग हुई है वहाँ पे। और तो फिलहाल तो अभी मैं यहाँ पे हूँ तो आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे ऊपर के रूम में क्योंकि नीचे के रूम में मेरी मम्मी है मेरे चाचा यहाँ पे मेरी दादी यहाँ पे है और मेरे दादाजी और मेरे पापा और मैं हूँ यहाँ पे। तो पहले तो मैं ऊपर वाले रूम के टूर दे देता हूँ। तो ऊपर वाले रूम में फर्स्ट ऑफ ऑल रूम है ये चाचा का जहाँ पे जैसे ड्रोन ड्रोन रखे हुए हैं यहाँ पे विंडोज है यहाँ पे आप देख सकते हो मस्त व्यू देखा हुआ है। यहाँ पे कुछ वो इंजन वगैरह टाइप है यहाँ पे फैन है हाँ यहाँ पे तो टीवी दिया गया है विद स्पीकर। I hold on to this storm cause I need to be swept away, swept away. I'm cornered in the cold where you left me. तो अभी हमारा चाय नाश्ता खत्म हुआ
थोड़ा फोटो वोटो ले लिए, और ड्रोन छोड़ने का तो हिम्मत नहीं, और बिकॉज हवा बहुत ज़्यादा है बालकनी में, टर्बुलेंस की वजह से मैं ड्रोन नहीं उड़ा सकता, सो नॉट पॉसिबल। एंड वीर का भी मूड थोड़ा ऑफ हो गया बेचारे को, बहुत मन था ड्रोन देखने का, कोई ना। एंड मैं एक पावर नैप ले लिया था, बहुत मैं रोज रोज ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, वीर को भी थकान हो गया था, वीर भी थोड़ा सा बीमार हो गया था सुबह, बट अभी ही इज फाइन। एंड मुझे थोड़ा टायरिंग लग रहा था, रोज रोज ट्रैवल करो, जल्दी उठो निकलो, रात को भी नींद मेरी पूरी नहीं होती थी। एंड इवन कल भी हमें सुबह 5 बजे चेकआउट करना है यहाँ से बोट से, फिर एयरपोर्ट जाना, एयरपोर्ट ही जाना था 2 आवर्स, पता है 2 घंटा लगेगा, फिर एयरपोर्ट जाओ, वहाँ से आओ। क्या कर रहा बेटा? योगा कर रहा है। लगा हरकतें जिसकी ऐसी होगी उसको ऐसा ही मिलेगा दंड, हरकतें ऐसी जिसकी होगी ना उसको चोट ही लगना है। तो हम लोगों ने टाइगर प्रॉन जो खरीदा था, रात को देखते हैं पापा जिस हिसाब से बोलेंगे कुक को बनाने, उसको बना के खाएंगे। तो खाएगा टाइगर प्रॉन? ये को सिर्फ चिकन दे दो, नहीं बट आई गेस चिकन है या नहीं आई डोंट नो, बट देखते हैं। प्रॉन तो है भाई मेरा, मैं तो प्रॉन खाने वाला हूँ। मुझे खिलाया मुझे पता नहीं, बहुत पहले इसको कुछ पता नहीं होता, इसको मैंने मटन खिला दिया था, प्रॉन खिला दिया, फिश खिला दिया, इसको पता नहीं चलता, इसको दे दो। एंड आई शो यू द व्यू अगेन आउटसाइड, ये देखो ये ऐसे बोट्स हैं, बहुत ही मस्त व्यू आ रहा है गाइस, ये ऐसे बोट्स हैं सब, दीज आर आई गेस 2-बेडेड बोट्स। ये देखो 2 बेडरूम है इसमें, ओ 3 बेडरूम है इसमें, तीन बेडरूम है, चार बेडरूम है इसमें, चार बेडरूम है। एंड अपने वाले में भी 4 है, एक उनके स्टाफ का है जो लोग बोट में लोग चलाते हैं, 3 अपना है। एंड ये इतना बड़ा डाइनिंग हॉल है, अरे नीचे का चलो उनको रूम टूर देते, चल। तो ये है मेरी सबसे फेवरेट जगह, यहाँ पर मिल चिल करता है, यहाँ पर ये उसका फेवरेट जगह है, यहाँ पर हम लोग चिल करते हैं एकदम, दिस इज द लाउंज एरिया, ठीक है, यहाँ पर हम लोग बैठते हैं, लिविंग रूम टाइप बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बैठते हैं। फिर यहाँ पर दिस इज द फर्स्ट बेडरूम, यहाँ पर भाभी है, ये सेकेंड बेडरूम है, पीछे उनका क्वार्टर्स आ जाए, उनको डिस्टर्ब नहीं करते। ये है द कैप्टन्स कॉकपिट व्यू, आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे बैठ भी सकते हो, यहाँ पे 2 चेयर्स रखी हुई है, ठीक है। ये है मेरे रूम का व्यू, देखो मेरे को ये वाला बेडरूम चाहिए था, बट मैं नहीं दूंगा, तुम क्या कर लोगे, छीन लेगा तुम मुझसे, मैं नहीं दूंगा, जाओ भागो, निकलो मेरे रूम से बाहर, चलो। से बड़ा मजा आया, अभी हम लोग आए अलफी बीच, बीच का नाम क्या है? अलफी बीच, अलफी बीच। अभी न्यू बढ़िया व्यू है बीच का, ब्यूटीफुल।
आई होप आप लोगों ने इसका पहला पार्ट देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो प्लीज जरूर जाके देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा। एंड केरला वाज सो अमेजिंग, सो फैंटास्टिक, इतना बढ़िया वेदर यार, बड़ा मजा आया। आई गेस दैट वाज इट फॉर टुडे, आई गेस दैट वाज माय फुल केरला ट्रिप। आई होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड। मेरी इंस्टाग्राम हैंडल आपके स्क्रीन पर आ रही हो तो जरूर जाके फॉलो करना मुझे। मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।